हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पूनम्स लाइफस्टाइल। और आप लोग सब कैसे हैं? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज सोचा कि वीडियो बनाया जाए, तो फिर आज मैं बनाती हूँ मेथी के पराठे। तो सबसे पहले मैंने मेथी को साफ करके धो के और इसे बारीक काट लिया है। और आइए हम शुरू करते हैं मेथी का पराठा। और एक जार में हमने लहसुन, अदरक, 5 कली लहसुन की और थोड़ा सा अदरक और एक हरी मिर्च, इसको हम पीस लेते हैं और फिर शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने इसमें एक बाउल में 2 बड़े चम्मच गेहूं का आटा लिया और उसमें 1 बड़ा चम्मच मैंने मक्के का आटा मिलाया, कॉर्नफ्लोर ये मिलाया। आप चाहे तो बेसन भी डाल सकते हैं। फिर मैंने इसमें डाला थोड़ा 1 चम्मच गरम मसाला, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और जो हमने लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था वो। डालेंगे इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर। थोड़ी सी हींग, 1 चुटकी हींग। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देते हैं बारीक कटी हुई मेथी। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो पिछली बार मैंने बथुआ के पराठे बनाए थे जो आप लोग को बहुत अच्छे लगे थे। और आप लोगों ने कहा था कि ठंड के और भी रेसिपी आप बना के शेयर कीजिए, तो आज मैं मेथी के पराठे बना रही हूँ, तो मैं सोची आज मैं ये शेयर करती हूँ। ओके, तो चलिए बनाते हैं। ये सब अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक आप अपने हिसाब से डाल जा सकते हैं, कम ज्यादा। तो आप देखेंगे मेरा आटा लग के बिल्कुल तैयार हो गया है। और अब हम 10 मिनट इसे फूलने के लिए रखेंगे, उसके बाद हम बनाते हैं मेथी के पराठे। तो हमारा आटा तैयार है और आटा फूल गया। अब हम इसकी एक लोई बनाते हैं और बनाते हैं मेथी का पराठा। तो आप देख सकते हैं कि पराठा तैयार हो रहा है और बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है। आप लोग भी बनाइए और अपने घर में ट्राई करिए और मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा और मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद भी आ रही है या नहीं आ रही है। तो
मेरे पराठे बिल्कुल बनके तैयार हैं, गर्मा गर्म खुशबूदार, और मैं इसे आम के अचार के साथ और मिर्ची के अचार के साथ खाऊंगी। आप चाहें तो इसे रायते के साथ भी खा सकते हैं या हरी धनिया की चटनी के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए आप लोग बनाइए और मुझे मैसेज करिए कि आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा, और आप लोग को कोई रेसिपी देखनी हो तो आप मुझे वो भी बताइए। ओके, बाय बाय।